जब ने बोला कुछ भी हो, उसके भाइयों को बोला, होत को और दूसरे भाई थे उनको, कि तुम जाओ, तुम्हारे भाई को किसी भी तरह से यहाँ लेके आओ मेरे सामने। बस वो चले वहाँ से और यहाँ पे शादी की तैयारियाँ हुई। तो जिस वक्त निकाह हुई, निकाह का समय था, बस उसी समय वो पहुँची। लेकिन उनकी जो दिल में दगा थी वो बेचारी इसको पता नहीं था। तो उन को भाइयों ने बोला कि भाई भाई तेरी शादी हो रही है, हम लोग कई दिनों से मिले नहीं, आज आकर फिर तो सही भी थी, निकाह तो हो गई। वो शशि अपने कमरे में इंतज़ार में थी और इन्होंने दबोच करके इसका मुंह बंद करके, ऊँट तो तैयार ही थी, और डाला ऊँट पे। उनको शराब नहीं पिलाई थी? हाँ पिलाई, किसी के ऐसे में ऐसा भी आता है कि शराब पिलाई, नशे में ले गए। अभी पुनो को जो ले गए, बस इसने हशर कर दिया, रोना रामबाड़ा सब, कि मैं तो उसके पीछे ही जा रही हूँ। बस ये निकली तो साहिलियों ने कहा कि भाई अपन छोटी थी उस जमाने से लेकर के साथ में पली है, तो हम भी तेरे साथ चलती हैं। तब शशि बोलती है कि नहीं, तुम्हारा काम नहीं है, कि वरो वरण वारियूँ विजो सब वरी, फोड़ाए फिराक जी सुजे गाल गई, बुम बाजन बरी सी डूंगर अच्छी डोरी, कि जिनको लगा है बुम से जो जल गया है वही जाएगी, वरो वरण वारियूँ विजो सब मोटी, कौन हल थी कैचली मुखे वो करो खोटी, मुहारे लांगोटी विधि जाग जोग जतन से। तो काम ये बम्बोर से निकलना ही है सिर्फ, अभी वो खुद ब खुद आएगा, तो मेरा फर्ज इतना है कि मैं उठूं और पांव सिर्फ आगे बढ़ाऊं, खुद ब खुद आकर मुझे उठा लेगा। पाण ही इदम होत पर आंपण थिया अग भरी, मानू दिंदा मियाणा चरी चवंदे लोक, मच्छण चवे खान बलोच त कमीणी माकीन थी। और वो इतना ताना न देवे कि ये इतनी नालायक है कि ये सिर्फ उठी भी नहीं, अगर उठती तो मैं इसको उठा लेता।
تسیں ہی کہتی ہے اجلس کرے اٹھیا اس اجلس اجلس مانا آرس اٹھی تو صحیح لیکن اجلس کر دی اجلس کرے اٹھیا اس توارے توڑن توڑا اس کو یہ اونٹوں کو کہتے ہیں بڑے جو اونٹ ہوتے ہیں ان کو الفراق اشد من الموت من مٹایو موڈن گسائے گوڈن و سگر تھیا سریت کی اجلس کرے اٹھیا اس توارے توکل الفراق اشد من الموت من مٹایو موکل ذکر پڑھی مجمل و سگر تھیا ساتھ جی اجلس کرے اٹھیا اس پڑھی میم من اللہ لدیاں لطیف چے کرے قرب کل ہو اللہ بڑے بار بسم اللہ ہونی گھر جی گوندر گارے کہ میں اتنی سستی کر کے نکلی کہ جب تک انہوں نے اپنے پلان تھے اونٹوں کو سجایا اور اونٹ بھی ایسے تھے کہ اس کا فطرت ہے کہ اس پہ کٹھا جب رکھا جاتا ہے تو آواز کرتا ہے بولتا ہے لیکن یہ اتنی بگدی بلوچوں کے اونٹ ایسے تھے کہ انہوں نے آواز بھی نہیں دی اور میں نے آرس میں اتنا ٹائم گوایا کہ وہ میرے گھر سے نکلے اس سے پہلے ان کے آگے میں آ کر کے ہاتھ نہ کر سکی اور وہ اتنی منزل طے کر گئے کہ ابھی وہاں پہنچنا مشکل सुतीअ संजे ही तूं त मुंहुं वेड़े मोयन जीअं हो जागो अखियुनि खे तो त जातो न ॾेई मक़सद तुम सोई ऐसी जैसे सोई नहीं बट जैसे लोग मर जाते और आंखों को उजागा कैसे दिया जाता है जगाया कैसे जाता है वो तो तुम्हें आर्ट ही नहीं आया तभी तो लेके गए थे अगर तुम्हें ये आर्ट आता कि जागते कैसे तो अब तक तुमने सब सीखा पर तुम जागना ना सीख सके کہاں پہ اللہ کی ذات کو بنایا ہے انہوں کو اور سب سے جتنی ہے وہ دنیا میں چلنے والے انسان ہیں ہر کسی کو اپنے پریتم سے ملنا ہے تو ملنا سہل نہیں ہے تو یہ بھی کہتی ہے مجھے پہچانتے ہو تم میں کس طرح سے ملوں گی تو بولا تجھے پتا نہیں کیسے کیسے پہاڑ ہیں تو بولتی ہے کررا ڈوگر کاہ گنی کیسے بھی پہاڑ ہیں ماں چوٹی ہے چڑھن دیا اس کی چوٹی پہ چڑھوں گی مجھے بول بروچس ہیں اس پریتم سے کہ ہوں پیریں پند کندی آس پاؤں سے پند چلوں گی پیریں پند چھڑیو تو ہوں گوڑے گسرن دی آس گوڑے گسرن چھڑیو تو ہوں تیل بر چورن دی آس تیل پر چورن چھڑیو تو سینے سے سورن دی آس سین پر سورن چھڑیو تو ٹھونٹھے ٹھڑک دی آس ٹھونٹھے ٹھڑکن چھڑیو تو ہتھن سے ہلن دی آس ہتھیں ہلن چھڑیو تو اکھین سے ہی دی آس پھر آنکھوں سے اگر نہ پہنچی تو مرو تھی یعنی جانور بن کے جانوروں کے ساتھ ایک ایک جنگل میں ان کے ساتھ میں بھٹکوں گی اگر وہیں بھی نہ ملے تو پکھی تھی پکھین میں سب سر سودھی دیاس اگر وہیں بھی نہ ملے تو مانو تھی مانون میں سب گوٹھ گولی دیاس ان پر عبد الطیف سے پنوں ڈے وہ دیاس وہ ملے تو ملے آس نہ تو گورے جان جتن اتنا میں کروں گی میرا فرض ہے اگر اتنا ہوتے ہوئے بھی ملی تو مل جاؤں گی اگر نہ ملی تو یہ جان جو ہے وہ جت پہ قربان Bye.
यू नो कभी मैं आपको अपनी कहानी बताऊं दिल से या आप अपनी कहानी बताओ मुझे दिल से, यू नो हमारे रिश्ते ख्यालों के ही हो सकते हैं ना. तो सिमिलरली विद दिस पोएट्री, शाह साईं फितरत के साथ किरदारों के थ्रू, वो भले मूविंग कैरेक्टर हों, ऑब्जेक्टिव हों या कॉग्निटिव हों, वो बना एक रिश्ता ही देते हैं ख्यालों का. और फिर अगर आपने वो ख्याल सुन लिया, फिर समझ लिया और फिर महसूस कर लिया, तो वो ख्याल आपका हो जाता है. अब फिर आपकी मर्जी है कि आप सस्वी या मुमल के उस दर्द में जाएं, उसको सुने, महसूस करें, फिर वो आपका हो जाता है. आप तो जाओगे और बड़े दिन लग जाएंगे आपको, पर इधर जो बिछड़ना है, बिछोड़ो जो है, वो तो मुझे सोच के ही मार रहा है, और आप तो दिन पे दिन लगाएंगे. बेटू तो मुझे जो भेनरू, ये जो ड्यून्स हैं, जो है धड़े मट्टी के, रेत के, ये तो बहने हैं मेरी. और डूंगर मुझे जा देर, और ये जो पहाड़े हैं, ये तो देवर हैं मेरे. तो दिस इज ब्यूटीफुल. बेटा कोई कंक्लूजन की तरफ नहीं जाता है, इमेजिनेशन की तरफ ही जाता है. इट्स मोर ऑफ इमेजिनेशन. Thank you.
ॾाढा तपनि था वरी With time, you would have more feeling than understanding. आज का समाज ज्यादा पढ़ा लिखा समाज इन लफ्जों को कैसे समझता है, ज्यादा लिटरेट समाज इन लफ्जों, क्योंकि लफ्ज मैनिपुलेट हो गए और कोई हम किसी को कहें मेडिटेटिंग, इट्स लुक्स लाइक फेकिंग, यू नो, लाइक वी आर बीइंग वेरी स्टूपिड कि आई एम मेडिटेटिंग या यू नो बी पॉजिटिव. ये लफ्ज बड़े एक्सप्लाइट हो चुके हैं. ये अजीब हो चुके हैं. अब वो माना इनकी रही नहीं है, हमने इतना इनको बेचा है. जब मिस्टिक अपनी इस कैफियतों को, इन इन सारी पीड़ा को, इन सारे सफर को, इन सारे ख्यालों को, इन सारे गहराइयों को सही से लफ्ज दे पाता है, वो लफ्ज वैसे ही गहरे होते हैं जैसे उनके अंदर ख्याल. वरना हम अंदर महसूस कुछ करते हैं, जब कहते हैं तो वो बात वो नहीं रहती. बट जब भिटाई वो बात करते हैं तो वो बात वो ही रहती है और उसकी लेयर खुलती है. आगे जब पब का पहाड़ आया तब ये हैरान होकर के हताश हो गई और इश्क की एक आह निकली. वो पूरा 500 कोह का लंबा पहाड़ है और 6-7 कोह का चौड़ाई वाला है. अब इसको पहाड़ कैसे करूं? इश्क की आह इसने ऐसी की कि पसी उंज उसाट के डूंगर के डहर पे डूंगर टूट गया. आज भी वो टूटा हुआ पड़ा हुआ है. ये लोग यूं बोलते हैं कि ये उसी अंदर की आह निकली नहीं, फिर कोई धरती कब आया हो, जल जला आया हो, अर्थक्वेक से टूटा हो, यो भी अल्लाह जाने, या कोई बिजली गिरी हो तो भी अल्लाह जाने. लेकिन लोग वहाँ के सब जो हैं वो एक ही बात करते हैं कि ससें जब यहाँ पहुँची, इत्तेफाक ने ऐसा भी हुआ होगा कि इसका आना और कुदरत का ऐसा करना जो जो हुआ हो, मतलब टूटा और उस टाइम में है, सब तारीखों में भी यही है. तो पसी उंज उसाट इतनी तरस प्यास कि डूंगर के डहर पियो, जैसे आखी ना कि अब कैसे पार करूँ, डूंगर के डहर पियो. ससई जे सूरन जी पे लऊं लऊं मुंहिंजा लाख, इन छप्पर में छूछाट ॾिठमि ॾुखो लीला. कि इसका जलने का जैसे पाणी गिरे और तपा हुआ लोहा छूछाट करे, आवाज़ कहे न छू, तो इसकी जो आँख से आंसू गिरते थे, इसकी जलन इतनी थी कि उसके बदन पे जो गिरता था वो भी छूछाट करता था, इतनी आतस उसको पी गई थी. फिर डूंगर को कहती है कि डूंगर तू डाउ थी अला छड असांजी छेड़, असी लंघियूं किथा ये भी घटी ना है घेड़, पर पुनू मूंखे परछाए ॾियो ॿ टे माण्हू कोठे मेड़, ये ॿारो चाणो ॿेरो ससी जी सर्ज दई. कि जब मैं पैदा हुई उस ज़माने में जो उन्होंने कहा था पंडितों ने कि ये नबागी है, तो वाकई में नबागी हूँ. कैसी? कि सर्ज दे सूर में जब पैदा हुई तभी मैं दुख में आकर के पली. फिर डूंगर को भी इस पे तरस आ गया, उस पहाड़ को भी. तो अज पर बैठो रोए डुखई डूंगर पान में, एक डुखई ससी और दूसरा डूंगर, दोनों रोने लगे.
खास करके जब मैं सस्वी को महसूस करने की कोशिश करता हूँ, द मोर आई फील डिप्रेस्ड द मोर आई परसीव आई फील, मुझे उस वक्त शासन और ज्यादा बेहतर महसूस होते हैं, बजाय के आप यू नो बहुत हाइट पे तारीफों पे और शेलो सोचें, मुझे लगता है कि अकेले में कोने में बैठ के या दूर बैठ के और दूर बैठने के बाद जब वो डिप्रेशन या सैडनेस बढ़े तो फिर आपका डर खत्म होना चाहिए अपने आप से और अपने आप से बैठना चाहिए। जब आप अपने आप से बैठते हैं तो ये सुर शाह साहब के जो भी दास्ताने हैं, वो सस्वी हो, वो मूमल हो, वो सोनी हो, ये सारे हम सिंधी में कहते हैं पंध, फिर ये सारे पंध आपको अंदर से अपने लगना शुरू हो जाते हैं। सिख जो है तड़प, सिख मिले ही सूर जी। कोई भी सिख होती है तड़प होती है मिलने की, किसी कैसी भी, किसी को इल्म की, किसी को दौलत की, किसी को हुस्न की, किसी को शोहरत की, किसी को हुकूमत की, कोई भी जो सिख होती है तो वो दर्द बन जाता है, फिर उसको चैन से वो बैठने नहीं देता। इश्क का दूसरा नाम सिख, सिख मिले ही सूर, पर सूर सर्जिया सिख मां, ये जो दर्द होते हैं ना वो पहले सिख हो तो सूर बने। मानू वंजन मोआ, मानू तो कभी ना कभी मरता है लेकिन नहीं मरता सूर। मानू वंजन मोआ तो नमोए सूर, इन पूरन मथा पूर लहे कीन लतीफ है। जो गहराई है अंदर की खुद शनासी की, वो मुझे लगता है कि वो तकलीफ में है, वो सैडनेस में। और जो ऊंचाई है वो खुशी में है। हमें खुश रहना है ज़िंदगी में, ऑफ़ कोर्स वो कहते हैं ना कि सिंधी में कहते हैं मज़ो माण, टेस्ट तो लेनी है। ससी ने भी टेस्ट तो ली ना इश्क की भी, शी हैड गुनू फॉर अ नाइट। बट वो जो गहराई है वो शायद जितना अंदर गहरी होती है रूट्स एक दरख्त की, उतना ही ऊपर टिक पाता है बड़े बड़े तूफानों के आगे। कि मुठ सूर सब के हैं, इतने थोड़े हर के पास है, किसी न किसी किस्म का मुठ सूर सब के हैं। मुवट वथाण, वथाण यानी कि जहाँ माल आता है मवेशी जो, उसके वथाण में तो कितना उसका नहीं मूत वो सब जो खातर हो जाता है ना, मेरे पास इतने हैं। मुठ सूर सब के मुवट वथाण, भरियूं क्यों बुड़न सठा ते सामक, जिसने ये चाहा कि मैं इश्क के मैदान में पांव रखूंगा उस पे ही ये वजन की भरी आएगी। अंदर बहुत ट्राइब्स हैं हमारे, अंदर बहुत ख्याल हैं, ख्याल और फिर ख्यालों के ट्राइब्स हैं। हमें शायद उन सब से मिलना पड़ता है, ये अंदर के ट्राइब्स ही हैं, ये अंदर के ही बहुत सारे हैं जो हम बाहर जिनको नाम देते हैं। एक शेर है, बैत है, अचोड़ी सूरन वारियूं कयूं सूर पचार, अचो सूरन वारियूं करियूं सूर पचार, पचार 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 सूर का जिक्र करें बातें करें। अच्छा, ये सूर में क्या कैसे कैसे किस्म की होती हैं। हाँ। अचो सूरन वार, आज इस पे ही कॉन्फ्रेंस रखे, किनी घना किनी थोरड़ा ना है सूरन खां का धार, किनी बटे घना किनी थोड़ा किनी घना ना को सूरन खादार, पूरी जगत ना कोई सूरन खादार, कोई ऐसा नहीं है जिसके पास दुख ना हो। मुखे दिना जे दातार मु झोली पाए चलिया, मुखे दिना जे दातार तो झोली पाए चलिया, मुझको जो मिली है वो मैंने तो खुशी से ली है। मैंने झोली वो दूर भी गिर रहे थे तो मैं उसको फेरा रही थी, गिव इट टू मी। पेन आपकी गहराई है, सैडनेस ये आपकी डेप्थ है, अंदर है। द डीपर यू आर द हायर यू ग्रो।
निगड़े ही प्रियन के मैंने बहुत यत्न किए, अपना घर छोड़ा, माँ बाप छोड़ा, शहर छोड़ा, ये सब कुछ मुझसे जो हुआ वो किया, लेकिन फिर भी मुझे पुनः मिला नहीं। ये लास्ट के सब बैठ हैं कि आऊँ निगड़े ही प्रियन के, तो सूरज को देखा तो डूब रहा था वो, तो अब सूरज को पैगाम देती है कि मैं तो न पहुंची, अब तुझे मेरा प्रीतम मिल जाए तो उससे मेरा पैगाम दे देना, आऊँ निगड़े ही प्रियन के, तू तो लाए सिज तू जा रहा है, ये जे दिया सने हो सो नई प्रियन के लिज चाहे केच खबर कज अज विचारी वाट मोई गड़ी पिरन के ही पड़ी वियो निहोड़ी नाबन से मुखे नी नियो मुट्ठी मौत थियो पियो पियो कंदे पंद में कि मेरा अभी मौत हो गया वो भी प्रीतम प्रीतम पियो पियो करते करते ऐसे मेरा मौत हो रहा है। आओ नगड़ी पिरन के मथा आयो मौत वा जाएंगे वरे थे आए नगड़ी हो वो फाटी थी इस फोट फना तुझे फराक में कि इतनी जुदाई तेरी कि मैं टुकड़े टुकड़े हो गया हमारा दिल। आऊं नगड़ी पिरन के मथा आयो इज़राइल जोराने जेडियो अज का काल कलील इंदियो मौत दलील जो मारे हैं मुराद से मेरी उम्मीदें जो थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हुई और मैं मुराद में ही इस उम्मीद में ही तेरे मिलने की तड़प में ही मैं अब जा रही हूँ। Thank you.
डूबरा कहते हैं गांस को जो दरिया के किनारे उगती है, और जब डूबने वाला डूबता है तो उसकी पूरी कुवत, उसका पूरा जो सिंधी में कहते हैं सग, वो होती है कि किसी तरह उस घास तक पहुंचो बचने के लिए, मैं मरू ना बचूं। अब घास तो बहुत कमजोर होती है, उसकी तो जड़ें भी नहीं होती, बड़ी कमजोर सी होती है। बुडंदे बूढ़न खे के हाथ का हथ विझन, डूबने वाला जब बचने के लिए उस घास में हाथ डालता है बुड़ों में, पसो लज लतीफ चय केडी मंज कखन। अब भिटाई कह रहे हैं कि अब जो लज है, शनास है, हया है, जिम्मेदारी है, अब वो आ गई है घास के ऊपर। मैं तो जाके पकड़ लिया घास को, मैंने अपना काम कर दिया। Oh,
ट्यूशन बराबर कराया ना जा सके ट्यूशन कराया ने जिंदगी में ऐसा ही फोटो ट्यूशन आया है।